कोलंबिया की पॉप सिंगर और डांसर शकीरा को कौन नहीं जानता। देश विदेश में जाकर वो कई सारे लाइव स्टेज शो करती है और करोड़ों में उनके चाहने वाले हैं। ऐसे में शकीरा का एक वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शकीरा के साथ लाइव स्टेज शो पर एक शख्स बदतमीजी करता दिखाई दे रहा है। गायिका शकीरा अपने आगामी सिंगल सोल्टेरा का जश्न मनाने के लिए लिव मियामी नाइट क्लब में आई। हालांकि एक प्रशंसक से जुड़ी घटना के बाद वो मंच छोड़कर चली गई। प्रशंसकों ने इस पल को वीडियो में कैद किया, जिससे शकीरा की परफॉर्मेंस को लेकर शुरुआती उत्साह का पता चलता है। वो विनी हार्लो, अनिता, लेले पोन्स और डेना पाउलर के साथ एक वीडियो बना रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीड़ में कोई उनकी स्कर्ट को फिल्माने की कोशिश कर रहा है, तो चीजें बदल गईं। प्रशंसकों द्वारा कैद किए गए वीडियो में शकीरा को हंसते नाचते हुए देखा जा सकता है, जबकि प्रशंसक चिल्ला रहे हैं। हालांकि एक प्रशंसक द्वारा ऐसा वीडियो बनाए जाने के बाद वो असहज महसूस कर रही थी, जो उनके अनुसार उचित नहीं था। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। जब कुछ लोग शकीरा के साथ नजर आए, वहीं कुछ लोग शकीरा के कपड़ों की आलोचना करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि पिछले साल गायिका ने 8 साल बाद बार्सिलोना छोड़ दिया और अपने बच्चों साशा और मिलान के साथ मियामी में बस गई। इंस्टाग्राम पोस्ट में शकीरा ने अपने प्रशंसकों के लिए एक प्यारा सा विदाई संदेश लिखा। पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं अपने बेटों को स्थिरता देने के लिए बार्सिलोना में बस गई, वही स्थिरता जो हम अब परिवार, दोस्तों और समुद्र के अलावा दुनिया के दूसरे कोने में तलाश रहे हैं। आज हमने खुशी की तलाश में एक नया अध्याय शुरू किया। ग्रैमी विजेता गायिका ने बार्सिलोना में मेरे साथ कई लहरों पर सफिंग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। वो शहर जहां मैंने सीखा कि निस्संदेह दोस्ती प्यार से लंबी होती है। वहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे आंसू पोंछे, मुझे प्रेरित किया और मुझे बड़ा किया। स्पेन की जनता का धन्यवाद।